दोस्तों आज हम महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा पर स्थित श्री आल सिद्धनाथ मंदिर को विजिट देने आए हैं। ये मंदिर महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले से 31 किलोमीटर की दूरी पर है, वहीं कर्नाटक के बेळगाव से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। आल सिद्धनाथ का मतलब होता है नौ नाथों का रूप। चिकोड़ी तालुके में आपाचीवाड़ी इस गाँव में श्री आल सिद्धनाथ जी के तीन मंदिर है। पहले हम खड़क मंदिर के नाम से जानने वाले मंदिर को विजिट देंगे। दोस्तों हमें मंदिर के परिसर में खाली जगह दिख रही है, ये जगह इसलिए कि आने वाले भक्तों की कार को पार्किंग के लिए। हमको मंदिर के बगल में नारियल धूप अगरबत्ती ये चीजें बेचने बैठे हैं, इनका जीने का साधन यही है। दोस्तों ये देखिए मंदिर की भव्य प्रवेश द्वार, इसका पूरा काम दगड़ में बना है। मंदिर में बहुत बड़ा वरांडा है, इसकी खास बात यह है कि आपको यहाँ दीवार देखने नहीं मिलेगी। यह मंदिर आपको दिख रहा होगा कि कितना बड़ा और शांत है। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो कि श्री हाल सिद्धनाथ जी का गाभारा दिखता है। इसके अब हम जीने से ऊपर जा रहे हैं, यहाँ से हमको भव्य वरांडा दिख रहा है। इसके पीछे दो और गाभारे हैं, वहाँ भक्तजनों की इच्छा पूर्ति के बाद दिए हुए मंदिर के कलश दिख रहे हैं। दोनों साइड आप देख सकते हो कि ढोल के अलमारियों से भरी हुई है। इसका इस्तेमाल जब यहाँ मेला होता है तब जश्न के लिए इसे बजाया जाता है। यहाँ भाकनुक होती है, आपके बता दो कि भाकनुक का मतलब भविष्यवाणी होता है। यहाँ बड़ी मात्रा में भाविकों की भीड़ होती है। हमको मंदिर के पीछे हनुमान जी का मंदिर देखने को मिलेगा। देख सकते हैं कि कितना बड़ा वरांडा आपको दिख रहा है और बिल्कुल शांत और कोई भी देखिए हनुमान मंदिर। ये हनुमान जी का गाभारा है। अब हम दूसरे मंदिर वाड़ा मंदिर की ओर जा रहे हैं। पुरातन काल में बना हुआ पत्थर का सूर्य आपको दीवार देख सकते हैं। दोनों तरफ से झाड़ी लगी हुई है। यहाँ हमको हाल सिद्धनाथ जी का मंदिर दिख रहा है। वाड़ा मंदिर को फेरे लगाने के बाद यहाँ आते हैं। ये मंदिर का गाभारा आपको दिख रहा है, यहाँ अश्वशाला है। आपके सामने जो दिख रहा है वो अश्वशाला है, यहाँ घोड़ों को टहलने के लिए जगह छोड़ी है। यहाँ पे स्विंग के अश्व आपको दिखने को मिल सकता है। श्री बाळू मामा जी की तस्वीर लगी हुई है। यहाँ पर
जो पुराने घोड़े मरे हुए उनको तस्वीर लगी हुई। दोस्तों अब हम आखिरी और तीसरे मंदिर की विजिट करने जा रहे हैं। इसको घूमट मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह समाधि मंदिर है। इस मंदिर को हिंदू और मुसलमान लोगों की एकता का प्रतीक माना जाता है। यहाँ नारियल और हार बेचने बैठे व्यापारी आपको दिख सकते हैं। मंदिर के परिसर में देख सकते हैं कि जरा भी कचरा नहीं है। यह भाविकों को प्रसाद के रूप में अंबिल दी जाती है। इस बड़े बर्तन में बनाई जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी स्वच्छता और शांतता है। यहाँ आपको बुजुर्ग इंसान स्वच्छता करते हुए दिख रहे हैं। इस मंदिर का पूरा कामकाज संगमरमर पत्थर से बनाया गया है। इस मंदिर के बीच के हिस्से को खूबसूरत बनाया है। ये श्रीन की मूर्ति है और ये संगमरमर से बनी आप मंदिर देख सकते हैं। दोस्तों अब हम इन तीनों मंदिरों को जोड़ने वाले रास्ते पर है। यह झाड़ी दिख रही है आपको। यहाँ से नीचे जाते हैं आपको हमको एक नाला दिखाई देगा। रास्ते के बीच एक पानी बहता नाला है। इसको पार करने के लिए पत्थर की सीढ़ियां बनाई है। मंदिर के आजू बाजू अलग अलग तरह की झाड़ी देखने मिलती है। यह तीनों मंदिर भक्तों के श्रद्धा स्थान। यहाँ से गिरता पानी आपको जरूर इस जगह को विजिट करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक